नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। साहेबगंज जिले के बरहेट स्थित शिवगादी मंदिर प्रबंधन समिति को जिला प्रशासन द्वारा भंग करने के बाद जो है उस समय के वर्तमान अध्यक्ष अजीत कुमार भगत के द्वारा जो है झारखंड हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था, जिसका फैसला आने के बाद जो है क्या कुछ कह रहे हैं अजीत भगत, सुनिए। अच्छा, इसमें बीच में आपको प्रबंध समिति से बाहर कर दिया गया था, इसमें क्या मामला था? देखिए, बात ऐसी है कि डीसी साहब ने अपने पत्रांक 500 डेटेड 12/7/2022 के आदेश के तहत मुझे यहाँ से पदमुक्त कर दिए थे। उनके आदेश के आलोक में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट फाइल किया। चूँकि शिवगादी प्रबंध समिति हमारे झारखंड राज्य हिंदू नार्मिक न्यास बोर्ड से रजिस्टर्ड है और हम उन्हीं से गाइड होते हैं, उनको लेखा जोखा देते हैं, वो जो टैक्स बनता है सरकार का वो मैं देता हूँ, और अननेसेसरी क्या बोला जाए उसको, गलत तरीके से मुझे यहाँ से हटाया गया था। इसकी मूल कारण थी जो ये मंदिर परिसर के अगल बगल की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें अवैध पत्थर खदान करने वालों की नज़र लगी हुई थी, गिद्ध की नज़र। इसमें बड़े बड़े लोग जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग ने भी अप्लाई कर रखा था, अवैध रूप से ब्लास्टिंग भी किया, जिसके चलते यहाँ की इमारतें ढह रही थी। इस संबंध में मैंने कई जगह कंप्लेन किया तो सत्ता पक्ष के लोगों ने सोचा भाई ये रहेंगे तभी तो कंप्लेन करेंगे या हमारा खनन कार्य होने नहीं देंगे, उसी के आलोक में इन लोगों मेरे ऊपर गलत आरोप लगा के पदमुक्त कर दिया था। क्या आरोप लगा था आपके ऊपर? आप उनका आरोप था कि मैंने हिसाब नहीं दिया, लेखा जोखा नहीं दिया, लेकिन नियम ट्रस्ट का ये है जब ट्रस्ट से कोई संस्था रजिस्टर्ड होती है चाहे किसी भी चीज़ का, तो उसका गाइड, उसका देखभाल, हम उसके प्रति हम जवाब होते हैं जिस संस्था से हम रजिस्टर्ड होते हैं। कोई सुनवाई हुई 18/4/2023 को माननीय बंगोपा मुखोपाध्याय ऑनरेबल जस्टिस के यहाँ, उन्होंने डी सी साहब को पूछा कि आपने किस बेसिस पर इनको हटाया और किस बेसिस पर आपने मंदिर के बगल में लीज दिया, तो उसके आलोक में 20/4/2023 कल डीसी साहब ने अपना शपथ पत्र दायर किया और उसमें बोला कि यहाँ कोई भी लीज नहीं है, जितने भी अप्लाई किया था मैंने सारे को निरस्त कर दिया है और हमें जो पदमुक्त किया गया उस आदेश को उन्होंने स्वतः विलोपित कर दिया। इसके लिए मैं माननीय हाईकोर्ट का, माननीय डीसी साहब का बहुत आभारी हूँ। और इससे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी जो है पहाड़ी श्रृंखला है साहेबगंज की, जो पहाड़ियाँ जो मंदिर से लगती है वो अब भविष्य के लिए सुरक्षित हो गई।